सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 ऑफ आवर क्लास सेकंड ईवीएस बुक एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज वाटर अराउंड अस। पानी हमारे चारों तरफ, अराउंड मतलब चारों तरफ, अस मीन्स हमारे, वाटर मीन्स पानी, पानी हमारे चारों तरफ, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग यानी जीव जंतु हैं, जीवित वस्तु हैं, उन सभी को पानी चाहिए अलाइव रहने के लिए, यानी जिंदा रहने के लिए। अलाइव मीन्स जिंदा रहना। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। जो वाटर है, पानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सब्सटेंस है अर्थ पे, पृथ्वी पर। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन्हें पानी की जरूरत है, नीड है यानी जरूरत है, ताकि वो सर्वाइव कर सके यानी रह सके। इफ देयर वॉज नो वाटर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। अगर पानी नहीं होगा, अगर अर्थ पे बिल्कुल पानी नहीं होगा, तो अर्थ पे कोई लाइफ भी नहीं होगी, अर्थ पे कोई जीवन भी नहीं होगा। मीन्स अगर पानी नहीं हुई हमारी पृथ्वी पे, तो हमारी पृथ्वी पे कोई लाइफ भी नहीं होगी, कोई जीवन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे जिंदा रहने के लिए। जो आपके लिविंग बींग्स हैं, उन्हें जिंदा रखने के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट हाउ वाटर इज बीइंग यूज्ड। यहाँ पिक्चर में आप देखो कि पानी कैसे यूज हो रहा है, और वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ बच्चा क्या कर रहा है? पानी पी रहा है, तो आप क्या लिखोगे? ड्रिंकिंग। यहाँ बच्चा क्या कर रहा है? नहा रहा है, तो आप क्या लिखोगे? बाथिंग। यहाँ पे क्या कर रही है? ये खाना बना रही है, तो आप क्या लिखोगे? कुकिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है? कपड़े धुले जा रहे हैं वॉशिंग मशीन में, तो वॉशिंग। ठीक है, चलिए आगे। यूजेस ऑफ वाटर। वाटर के क्या यूजेस है? वाटर जो है वो कैसे इस्तेमाल होता है, क्या उसका उपयोग है, वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। वाटर इज आवर मोस्ट प्रीशियस रिसोर्सेज। जो वाटर है, पानी है, वो बहुत ज्यादा प्रीशियस यानी अनमोल रिसोर्स है हमारा। अनमोल एक ऊर्जा है, एक अनमोल एनर्जी है जो हमें चाहिए, अनमोल वस्तु है पानी हमारे लिए। वाटर इज वाइटल टू लाइफ। जो वाटर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यानी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए। ह्यूमन प्लांट एनिमल आर मेड अप ऑफ मोस्टली वाटर। जो ह्यूमन्स है, इंसान है, जो प्लांट है, पेड़ है, एनिमल, जानवर, ये सब पानी से बने हुए हैं। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, ग्रोइंग आवर फूड एज वेल एज मैनी अदर थिंग। हम पानी का इस्तेमाल पीने के लिए, वॉश करने के लिए यानी धुलने के लिए, क्लीनिंग यानी साफ सफाई के लिए, कुकिंग खाना बनाने के लिए, अपने फूड को ग्रो करने के लिए यानी हम जो खेत में पानी डालते हैं ना, उन्हें उगाने के लिए, और भी बहुत सारी चीजों में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। एवरी टाउन एंड सिटी वेदर स्मॉल और बिग यूज वाटर। हर एक टाउन जो है, कस्बा, हर एक सिटी यानी शहर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो पानी यूज करता है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के क्या सोर्सेज हैं, अब वो पढ़ते हैं। वाटर इज नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर सच एज स्ट्रीम, रिवर, लेक, पॉन्ड, सी, ओशियन आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर। जो रेन है वो नेचुरल सोर्स है पानी का, जैसे कि स्ट्रीम, रिवर, लेक, पॉन्ड, सी, ओशियन, ये सब डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है पानी के, जहां से हमें पानी मिलता है। सी वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो सी वाटर होता है, समुद्र का जो पानी होता है, वो पीने के लिए अच्छा नहीं होता। इट इज सॉल्टी इन टेस्ट। ये जो समुद्र का पानी होता है वो बहुत ज्यादा नमक वाला पानी होता है, उसमें नमक बहुत ज्यादा आता है। जब हम पानी को पीते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा नमक होता है। ठीक है, ऑल दीज सोर्सेज ऑफ वाटर डिपेंड ऑन एयर। ये जितने भी सोर्सेज है, मीन्स स्ट्रीम, रिवर, लेक, पॉन्ड, ये सभी जो सोर्सेज है, ये सब
रेन पे डिपेंड करते हैं, बारिश पे डिपेंड करते हैं। अगर बारिश होगी तो इनमें पानी भर जाएगा। तो ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? ये सब डिपेंड करते हैं आपके रेन पे। ठीक है, रेन वाटर गेट ऑल्सो कलेक्टेड इन पॉन्ड और अ टैंक। जो रेन वाटर होता है मीन जो बारिश का पानी होता है वो भी कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है कहाँ? पॉन्ड में। पॉन्ड यानी जो आपके तालाब होते हैं, जो आपके टैंक्स होते हैं, टैंक्स बनाए जाते हैं वहां पे ये इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, बिग डैम कैन बी बिल्ट अक्रॉस द रिवर। रिवर के साइड में, रिवर के अक्रॉस यानी चारों तरफ एक डैम बनाई जाती है। ठीक है, द वॉटर स्टोर बिहाइंड ए डैम फॉर्म अ ह्यूज लेक। जो वॉटर है, पानी है, वो उस डैम में, ठीक है, वहां पे इकट्ठा हो जाता है। सच लेक इज कॉल्ड मैन मेड लेक। ये जो ऐसी लेक है, लेक मतलब ये जो डैम बनाया जाता है, डैम क्या होता है स्टूडेंट? ऐसे ऐसे जहां पे भी आपका ये ऐसी रिवर होगी ना, वहां के साइड पे एक गड्ढा खोद दिया जाता है बड़ा सा, ताकि जो ये रिवर का पानी है वो उस गड्ढे में भरे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डैम। ठीक है, जो ऐसी लेक बनाई जाती है इसको, ये जो ऐसा गड्ढा खोदा जाता है कि रिवर का पानी और इन सब का पानी बहते बहते उस गड्ढे में भरे और फिर आगे बढ़े, तो जो ऐसा डैम बनाया जाता है इसे हम बोलते हैं मैन मेड लेक, कि आदमियों के द्वारा बनाई हुई झील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोरिंग वाटर, वाटर को स्टोर करके रखा जाता है, वाटर को एक जगह पे इकट्ठा करके रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। अर्थ प्रोवाइड अस विद फूड वाटर एंड शेल्टर। जो पृथ्वी है वो हमें हवा, पानी और शेल्टर प्रोवाइड करती है, यानी शरण की जगह देती है। अर्थ इज आवर फ्रेंड, वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट। अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो हमारी दोस्त है, इसलिए हमें इसका टेक केयर करना चाहिए, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। वी मस्ट रिमेम्बर टू सेव वाटर। हमें वाटर को, हमें ये ध्यान रखना चाहिए, रिमेम्बर करना चाहिए कि हमें पानी को सेव करना है। देयर आर मैनी थिंग इन विच वी कैन कलेक्ट वाटर। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम पानी को कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन टैंक, बकेट, बोटल, मग्स, ड्रम्स एक्सेट्रा। जो रेन वाटर है यानी जो बारिश का पानी है, उसे स्टोर किया जा सकता है टैंक में, बकेट में, बोतल में, मग्स में, ड्रम्स में, एक्सेट्रा में। रिमेम्बर टू क्लोज द टैंक आफ्टर यूजिंग वाटर। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो टैप, जो टोटी होती है, उसे हम क्लोज कर दें, बंद कर दें पानी का यूज करने के बाद, पानी का इस्तेमाल करने के बाद। ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी। वी रिले ऑन फ्रेश वाटर फ्रॉम लेक, पॉन्ड, वेल एंड रिवर फॉर आवर डोमेस्टिक पर्पस। हम रिले करते हैं मीन्स हम डिपेंड है, हम निर्भर करते हैं फ्रेश पानी के लिए, अच्छे पानी के लिए, लेक पे, झील पे, पॉन्ड पे, तालाब में, वेल में यानी कुएं पर, और रिवर पे यानी नदी में, ताकि हम उसको डोमेस्टिक पर्पस के लिए, जो घर के काम होते हैं उनमें यूज कर सकें। बट वी कैन नॉट ड्रिंक दिस वाटर डायरेक्टली एज इट इज डर्टी एंड कंटेन जर्म। बट जो यहाँ का पानी आता है, लेक से, पॉन्ड से, वेल से, रिवर से जो पानी आता है, इससे हम घर के काम तो कर लेते हैं बट इसको हम पी नहीं सकते। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि ये डर्टी होता है, गंदा होता है और इसके अंदर जर्म्स होते हैं। जर्म्स कैन मेक अस सिक। और जो ये जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, ये हमें सिक कर सकते हैं मीन्स हमें बीमार कर सकते हैं। वॉटर मस्ट बी फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड टू मेक इट जर्म्स फ्री। जो वॉटर है उसे फिल्टर करना होता है और बॉइल्ड करना होता है ताकि हम जर्म फ्री रह सके। कीपिंग वॉटर क्लीन, पानी को क्लीन रखना। ड्रिंकिंग वॉटर शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स। वॉटर को क्लीन करना, वॉटर को, ड्रिंकिंग वॉटर शुड बी क्लीन। जो हम पानी पीते हैं वो क्लीन होना चाहिए और वो जर्म्स, कीटाणु से मुक्त होना चाहिए, इसमें उसमें कीटाणु नहीं होने चाहिए। डर्टी वॉटर कैन कॉज मैनी डिसीजेज। जो डर्टी वॉटर है वो बहुत सारे डिसीजेज, बहुत सारे बीमारियां कर सकता है। वी कैन कीप वॉटर क्लीन इन मैनी वेज।
जो हम पानी को साफ रख सकते हैं बहुत तरीकों से। वी शुड नॉट वॉश डर्टी थिंग्स नियर नियर दी सोर्स ऑफ वॉटर। हमें डर्टी थिंग्स को वॉश नहीं करना चाहिए जहां भी पानी का सोर्स है। मीन्स हमें कभी भी पानी, जैसे नदी हो गया, तालाब हो गई, कुएं हो गए, वहां हमें कभी भी कोई गंदी चीज साफ नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम वहां गंदी चीज साफ करेंगे तो वही पानी जाके उसमें मिल जाएगा, और जब वो पानी जाके उसमें मिल जाएगा तो वो उस पूरे पानी को भी गंदा कर देंगे। ट्रीटेड वाटर फ्रॉम द फैक्ट्री शुड नॉट बी अलाउड टू फ्लो इन टू द रिवर एंड पॉन्ड। जो फैक्ट्रीज में पानी इस्तेमाल किया जाता है उस पानी को हमें रिवर और पॉन्ड में छोड़ना नहीं चाहिए। मीन्स उस पानी को हमें रिवर और पॉन्ड में नहीं डाल देना चाहिए वापस। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर इन क्लीन एंड कवर्ड यूटेंसिल। जो पानी पीने वाला होता है उसे हमें इकट्ठा करके रखना चाहिए एक बर्तन में, और उस बर्तन को फिर हमें कवर कर देना चाहिए। ठीक है, हमें पानी कभी खुला नहीं रखना चाहिए। जो पानी हम पीते हैं ना स्टूडेंट, उसे हमें कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए, उसे हमें हमेशा ढक के रखना चाहिए। ऑलवेज यूज क्लीन लैडर फॉर ड्रॉइंग ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द बकेट। हमेशा एक साफ सुथरा सामान इस्तेमाल करना चाहिए जब भी हम बकेट में से पानी निकालते हैं। ठीक है, साफ सुथरा, एकदम साफ एक बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए जब हम बकेट से पानी निकालते हैं पीने के लिए। वी शुड नॉट डिप आवर हैंड इन टू द यूटेंसिल ऑफ वॉटर वाइल ड्रिंकिंग फ्रॉम इट। हमें कभी भी अपना हाथ उस बर्तन में नहीं डाल देना चाहिए जिसमें से हम पानी निकाल रहे होते हैं, जिसमें से हम पीने वाला पानी निकालते हैं, उसमें हमें कभी हाथ नहीं डाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाथ डालने से वो पानी गंदा हो जाएगा और फिर उसमें जर्म्स आ जाएंगे और फिर वो पानी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो चलिए, क्या क्या न्यू वर्ड्स थे जो इस चैप्टर में हमने पढ़े। पहला था सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब होता है मैटर। कोई भी चीज जो किसी वस्तु से बनी होती है उसे हम बोलते हैं मैटर। प्रीशियस, प्रीशियस मतलब होता है बहुत ज्यादा मूल्यवान, यानी अनमोल, वैल्यूएबल। वाइटल यानी असेंशियल, महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट। स्ट्रीट यानी रोड। क्विक रिकैप करते हैं इस चैप्टर का। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए। वाटर जो है वो बहुत ज्यादा प्रीशियस है, अनमोल है, अनमोल रिसोर्सेस है हमारे लिए। वी कैन कीप वाटर क्लीन इन मैनी वेज। हम बहुत सारे तरीकों से पानी को साफ रख सकते हैं। डर्टी वाटर कैन कॉज मैनी डिसीजेज। जो डर्टी वाटर है, डर्टी वाटर मतलब जो गंदा पानी है, वो बहुत सारी डिसीजेस कॉज करता है, बहुत सारी डिसीज, बहुत सारी बीमारियां फैलाता है। ठीक है, कारण है, गंदा पानी बहुत सारी बीमारियों का कारण है। कॉज मतलब होता है कारण, तो जो गंदा पानी है वो बहुत सारी बीमारियों का कारण है। तो ये था हमारा चैप्टर स्टूडेंट। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? इस चैप्टर में हमने ये सीखा कि हमारे लिए पानी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जीवित वस्तु हैं, उन सभी को पानी चाहिए। हमें पानी को बहुत ज्यादा साफ रखना चाहिए, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें पानी का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना चाहिए। और जो सॉल्ट सी वाटर होता है, मीन्स जो समुद्र का पानी होता है, वो बहुत ज्यादा नमक वाला पानी होता है, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। और हमें हमेशा क्लीन साफ पानी पीना चाहिए ताकि हम बीमारियों से बच सके। आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।